Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I welcome all the viewers in the second part of lecture 15, that is about spelling and grammar, thesaurus and translation. And before moving toward this video, if you have not subscribed this channel yet, you are requested to subscribe it and click on bell icon so that you can get the alerts and notifications of newly uploaded videos. लास्ट वीडियो में हम रेफरेंसेस के टाइप को देख रहे थे, जिसमें हमने साइटेशंस एंड बायोग्राफी के ग्रुप को कम्प्लीटली कवर किया था। इस वीडियो में हम रिव्यू के टाइप को देखेंगे। यहाँ मैंने मेलिंग्स के टाइप को स्किप कर दिया है। इस वीडियो में हम रिव्यू के टाइप को देखेंगे, जिसमें हमारे पास पहला ग्रुप है प्रूफिंग। प्रूफिंग के ग्रुप में हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर की कमांड है, रिसर्च की कमांड है, थिसोरस, ट्रांसलेट एंड अदर कमांड्स। तो इस वीडियो में हम स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसोरस और ट्रांसलेट को वन बाय वन देखेंगे और समझेंगे कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जो हमें स्क्रीन में नजर आ रहा है, आपके पास आता है रिव्यू के लिए, यानी चेक होने के लिए। तो आप इसे रिव्यू कैसे करेंगे, आप इसे चेक कैसे करेंगे? एक तरीका तो ये हो सकता है रिव्यू या चेक करने का, आप इसे वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन रीड करें और अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर की मिस्टेक है, आप उसे करेक्ट करें। अगर आप ये तरीका नहीं करना चाहते तो आप सिंपली एमएस वर्ड में मौजूद टूल्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इस डॉक्यूमेंट के इस पैराग्राफ को रिव्यू करना चाहता हूँ और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर मिस्टेक्स को फाइंड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए पहला तरीका तो ये होगा कि मैं इसे लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड रीड करूँ। और आपको यहाँ इस पैराग्राफ में इस तरह के वर्ड नजर आ रहे होंगे रेड लाइन से अंडरलाइन, जो कि शो कर रहे होते हैं कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके स्पेलिंग ठीक नहीं, इनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है। तो आप इस तरीके से भी इसे करेक्शन कर सकते हैं। अगर आप ये तरीका नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप स्पेलिंग एंड ग्रामर में क्लिक करें। स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन के सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और उस डायलॉग बॉक्स में वो तमाम पैराग्राफ जो आपने सेलेक्ट किया था वो आपको यहाँ शो हो रहा होगा। और जितने स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे, जितने वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, वो रेड कलर में शो हो रही होगी। जैसा कि आपको एग्जांपल में यहाँ पॉपुलेशन की स्पेलिंग मिस्टेक शो कर रहा है और इसकी करेक्ट स्पेलिंग भी आपको यहाँ बता रहा है। तो आप इसे करेक्ट स्पेलिंग से रिप्लेस करने के लिए चेंज पे क्लिक करें। उसे करेक्ट करने के बाद वो नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ चला जाएगा। जो उस पैराग्राफ में नेक्स्ट मिस्टेक होगी उसे हाईलाइट कर देगा, जो कि है एवरेज। आप इसे सिंपली यहां से भी करेक्ट कर सकते हैं, यानी ई को यहां से रिमूव कर दें, वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आप चेंज पे दोबारा क्लिक करें, नेक्स्ट मिस्टेक होगी जो, वो उसे सामने आपके ले आएगा। यहाँ मेजर स्पेलिंग मिस्टेक है और इसकी सजेशन या इसकी रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है वो भी लिस्ट आपके सामने यहाँ शो हो रही होगी। तो आप इससे यहाँ से भी करेक्ट कर सकते हैं, यानी ए को रिमूव करके ओ लिख दें या यहाँ इस वर्ड पे क्लिक करके चेंज पे क्लिक करें। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है इस पैराग्राफ में जो कि है लार्ज, इसके भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो आप इसे एल ए आर जी ई कर दें या यहाँ से इस वर्ड को सिलेक्ट करके चेंज पे क्लिक करें। तमाम पैराग्राफ में जो मिस्टेक्स होंगी उसे करेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन देगा वर्ड फिनिश्ड चेकिंग द सिलेक्शन, डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग द रिमेन ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी क्या आप आगे डॉक्यूमेंट को भी चेक करना चाहते हैं। अगर आप यस करेंगे तो वो तमाम ऑप्शंस को लाता जाएगा जो जो उसको मिस्टेक्स नजर आएंगी। और अगर आप इसे यहाँ स्टॉप करना चाहते हैं प्रोसेस को, तो आप सिंपली नो पे क्लिक करें। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो मैंने ये पैराग्राफ हाईलाइट किया था जिसमें 3 मिस्टेक्स थी स्पेलिंग के हवाले से, वो करेक्ट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप स्पेलिंग या ग्रामर की मिस्टेक्स को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है थिसोरस। थिसोरस ऐसी कमांड होती है जिसमें तमाम वर्ड्स की लिस्ट होती है जो कि यूज किए जा सकते हैं एज अ सिनोनिम, यानी हम मैनी अल्फाज यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस पैराग्राफ में एक वर्ड है लार्जेस्ट। अगर मैं लार्जेस्ट की जगह पर कोई और वर्ड, हम मैनी वर्ड यूज करना चाहता हूं, तो मैं इस वर्ड को सिलेक्ट करूंगा और यहां से थिसोरस पे क्लिक करूंगा। थिसोरस पे क्लिक करने के बाद राइट साइड पर एक लिस्ट अपेयर हो जाएगी, जिसमें तमाम मीनिंग्स जो इससे मिलते जुलते होंगे वो आपको शो हो रहे होंगे।
आप यहाँ से उस वर्ड को चूज करके अपने पुराने वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं लार्जेस्ट की जगह पर बिगेस्ट वर्ड रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इस एरो पे क्लिक करूंगा और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं जो वर्ड लार्जेस्ट था वो बिगेस्ट वर्ड के साथ रिप्लेस हो चुका है। इसी तरह अगर आप मजीद वर्ड रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है ट्रांसलेट की। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये पैराग्राफ ट्रांसलेट हो जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना चाहता हूं, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और ट्रांसलेट पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो पैराग्राफ था इंग्लिश में लिखा हुआ, उसने उसे उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है। यहाँ से आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस लैंग्वेज में से ट्रांसलेट करना है, तो आपने जिस लैंग्वेज में से ट्रांसलेट करना है आप वहां से वो लैंग्वेज सिलेक्ट करें और इस एरो पे क्लिक करें। एरो पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो पॉलिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी है। इस तरह आप किसी भी लैंग्वेज में अपने पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इसके लिए जरूरी है कि आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हों। अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे तो ये ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी। तो ये था हमारे पास प्रूफिंग का ग्रुप, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट जो कमांड्स थी जैसे कि स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसोरस और ट्रांसलेट को वन बाय वन देखा। अपने नेक्स्ट वीडियो में कमेंट्स के ग्रुप को लेकर हाजिर रहूंगा। तब तक अल्लाह हाफिज।